लंदन में इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से एक हैकथॉन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सैयद शुजा नाम का एक हैकर था। इस हैकर ने दावा किया कि उसने 2014 में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम मशीनें हैक की थी। अगला दावा यह किया कि बीएसपी, समाजवादी पार्टी और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी उससे संपर्क किया था। जो दावे किए उसका कोई सबूत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं रखा गया, लेकिन भारत में इन दावों से राजनीतिक भूचाल आ गया है। ईवीएम की सुरक्षा को चुनौती की गई है, लेकिन फंस गई है अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के बड़े नेता कपिल सिब्बल साफ नजर आए। बीजेपी तो यहां तक दावा कर रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाला पत्रकार भी, आशीष रे जो पत्रकार का नाम है, वो भी कांग्रेस के लिए समर्पित है। तो अब कुल मिलाकर फंसती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, और ऐसे में सीधा सवाल आज संविधान की शपथ में यही, क्या कांग्रेस का हाथ हैकर के साथ है? 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हैकर सैयद शुजा ने फोड़ा हैकिंग बम। Millions of PCBs, millions of connector, which was used in 2014 election to manipulate the results of the entire nation. बम हुआ फुस, सामने नहीं रखा सबूत। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, he did not offer any proof. उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया और न ही अपने को पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछने के लिए भी उपस्थित किया। तो न गवाही, न सबूत, न सवाल, लेकिन देश के ऊपर इतनी बड़ी आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। लंदन के हैकथन से जुड़ा कांग्रेस कनेक्शन, ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रायोजित एक राजनीतिक स्टंट था। कपिल सिब्बल जी वहां क्या कर रहे थे, ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। What Mr. Kapil Sibal was doing there, the BJP was like to ask this question. In what capacity was Kapil Sibal present there? Kis haisiyat se Kapil Sibal wahan upasthit tha? Press conference pe baithe dikhe Congress ke Kapil Sibal. Kapil Sibal ji ne khud ne ye spasht kiya hai ki wo wahan par Congress ko represent nahi kar rahe hain. Unhone ye kaha hai ki Ashish Ray jo ye पत्रकारों के संगठन के ऑफिस बेरर हैं, उन्होंने निमंत्रण दिया और वो गए उस निमंत्रण के आधार पे। 2014 के चुनाव में ईवीएम से धांधली का दावा, बीजेपी ने पूछा सत्ता में नहीं थे फिर भी इतनी हैसियत थी हमारी, और कहा गया कि 14 में हैकिंग से मोदी जी जीते हैं। 2014 के चुनाव में आप याद करिए, यूपीए पावर में थी, हम नहीं थे। तो जैसा कि चुनाव आयोग ने कहा, ये पूरी कमेटी जो बनी थी 2010 में बनी थी, जो पूरा ईवीएम के टेक्नोलॉजिकल इश्यू को देखती है, मैं उस पर अलग से आऊंगा। तो जो हम सत्ता में थे नहीं, तो फिर भी हमारी इतनी हैसियत थी कि साहब हम हैकिंग कर सकते थे, ये कौन सा लॉजिक है? बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस का हाथ हैकर के साथ? देखिए, 2019 लोकसभा चुनाव से पहले हैकर सैयद शुजा ने यह हैकिंग बम फोड़ा है, और ऐसे में कुछ सवाल जो बड़े सीधे हैं और हम सबके सामने हैं, जरा जल्दी से आज इन सवालों पर एक नजर डालिए। सबसे बड़ा सवाल यह कि शुजा के पास हैकिंग का कोई सबूत है क्या? अगर था तो दिखाया क्यों नहीं? लाइव हैकिंग के बहाने शुजा ने सिर्फ आरोप ही आरोप क्यों लगाए? कोई सबूत क्यों नहीं दिखाया? चुनाव आयोग के चैलेंज का सामना क्यों नहीं किया गया? चुनाव आयोग ने तो खुला मंच दिया था, आओ जिसे दिखा सकता है जो छेड़छाड़ करके ईवीएम में दिखा दो। शुजा 5 साल बाद ही सामने क्यों आया? 2014 का मामला 2019 में समय मिला सामने आने के लिए। शुजा उनके नाम क्यों ले रहा है जो इस दुनिया में नहीं है? गोपीनाथ मुंडे, गौरी लंकेश के नाम ले लिए गए क्या चुनाव से पहले? साजिश के तहत ये हैकेथॉन आयोजित किया गया और सीधे तौर पर कांग्रेस ने यह आयोजित किया। वो कौन थे जो एसपी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से संपर्क कर रहे थे, जैसा कि दावा किया गया शुजा की तरफ से? 2014 में हैकिंग हुई तो फिर 2015 में आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई? क्या इस सवाल का जवाब है? पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी क्यों हार गई? क्या इस सवाल का जवाब है? ये वो अहम सवाल है। बड़ा सवाल यह भी कि लंदन में किसी ने हैकिंग का लाइव डेमो क्यों नहीं दिया? ये 10वां और सबसे अहम सवाल।
क्योंकि दावा तो यही किया जा रहा था कि हैकिंग करके दिखा देंगे। इनवाइट में भी कहा गया था दिखाएंगे हैक करते हुए, लेकिन दिखाया कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोपों की झड़ी लगा दी गई, ऐसे नाम लिए गए जिनसे पुष्टि भी आप नहीं करा सकते हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह कि कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल, जो इस वक्त आरोपों में घिरे हुए हैं, हैकिंग विवाद पर 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कपिल सिब्बल की तरफ से। हैकिंग वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कपिल सिब्बल मौजूद थे, जिसके बाद सीधे सीधे बीजेपी की तरफ से सवाल यह पूछा गया कि कपिल सिब्बल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे। अब देखना होगा इसका जवाब कपिल सिब्बल क्या देंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल इस वक्त मौजूद है। बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से पार्टी के नेता मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे साथ जेडीयू की तरफ से राजीव रंजन जी है और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे मोहम्मद खान साहब, कांग्रेस के लिए बड़ा गंभीर मामला है साहब, जांच कराइए। देश सर्जिकल स्ट्राइक करता है, प्रूफ मांगते हैं आप लोग, और एक हैकर की बातों पर आंख मूंद कर कांग्रेस पार्टी भरोसा कर लेती है साहब, बड़ा गंभीर मामला है देश को दिखा रही है, शर्म नहीं आ रही है आपको? रुमाना जी शर्म किस बात की, मुझे हैरानगी हो रही है आप ऐसी बात कर रही हैं। आप इनके दुष्प्रचार में क्यों आ रही हैं? कौन से सर्जिकल स्ट्राइक पे हमने सवाल उठाया? आपके दुष्प्रचार में आ जाओ, उसको हम लोगों ने इसकी निंदा की, पार्टी की पोजीशन स्पष्ट की, हर अखबार में लिखा हम लोगों ने, देश के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप प्रायोजित करते हैं, आप प्रायोजित करते हैं, कांग्रेस पार्टी प्रायोजित करती है। चुप कीजिए, अगर आपको प्रोपेगेंडा देते हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं उसमें हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं आपको सच्ची बात बता दूं, नहीं रोमाना जी, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, इस गलत फहमी में मत रहिए, अपने दर्शकों को भरगलाइए मत, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, वो दूर दूर तक क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनकी थी आप लोगों ने चलाया, उन लोगों ने कपिल सिब्बल साहब को, अरे मैडम हर दर्शक क्या कर रहा था, अगर कपिल सिब्बल साहब को उन लोगों ने बुला लिया, और उन्हें पूरी भी जानना था क्या हो रहा है, हम भी सब जानना चाहते थे क्या हो रहा है, आपके सारे चैनलों पे डिबेट चल रहा था कि क्या हो रहा है, वो चले गए, आप लोगों को मौका मिल गया ये सब बोलने का, मगर ये झूठ के पैर नहीं होते और 4:30 बजे ये बात स्पष्ट हो जाएगी। और दूसरी बात रोमाना जी, सर्जिकल स्ट्राइक वाला झूठ आप प्लीज मत दोहराइए, जो लोग बोलते आ रहे हैं ये दुष्प्रचार, हमने बार बार इसका खुलासा किया है, हम लोगों ने कहा एक नेता ने बोला था, पार्टी ने इमीडिएटली उसकी कड़ी निंदा की, हर अखबार में हर चैनल में आके बोला कि हमें गर्व है अपने नौजवानों पे, हमारी सेना पे, तो प्लीज भाषण मत उठाइएगा, भाषण मत दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। ये ईवीएम में मैं नहीं दे रहा हूँ, जो बड़े बड़े दावे ला रहे हैं उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाऊंगा। सवाल सुनिए, कोई प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा है, कोई दुष्प्रचार नहीं हो रहा है, सवालों का सीधे जवाब दे दीजिए, यही आप अपनी जिम्मेदारी निभा लेंगे। ये बताइए मुझे, ईवीएम हैक करने के दावे जो किए गए कांग्रेस पार्टी को, उसमें दम क्यों नजर आ रहा है? आंख मूंद कर उन दावों पर क्यों भरोसा कर लिया आपने? हैकर तो चेहरा भी छुपा रहा था। मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो ये, उस हैकर के हम पक्ष में नहीं बोल रहे, हम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हम आपको बताते हैं हमारी पोजीशन क्या है। पिछले साल जब अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने रिसर्च कर लेते आपको तो पता होता, पिछले साल अगस्त में इलेक्शन कमीशन ने सारी पार्टियों को बुलाया था देश भर की, और हमने लिखित में अपने सुझाव दिए हैं, और आपको पता है हमारा सुझाव क्या है, हमने कहा है अगर पेपर बैलेट नहीं ला सकते कोई बात नहीं, वीवीपैट लाए हो, वीवीपैट के 50% जो कागज होते हैं वो ही गिनवा लो। और कल डॉक्टर सिंघवी ने 8:30 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कहा, यही कहा, मगर ये तो आप दिखाएंगे नहीं क्योंकि आपके नैरेटिव और आपका जो एजेंडा है उसे सपोर्ट नहीं करता। तो बात बड़ी स्पष्ट है, पेपर बैलेट कांग्रेस का एजेंडा ये सूट करता है कांग्रेस को, विदेशी जमीन पर बैठकर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा दो सर। इतनी ही सर, मैं तो सबसे सवाल करती हूँ, आप में हिम्मत है तो जवाब दे दीजिए सर, हम तो सबसे सवाल करते हैं, आपको आज सवालों से मिर्ची लग रही है ना, इसलिए आप सत्ता पक्ष की आड़ ले रहे हैं, अपने सवाल का जवाब दे दीजिए आप, अरे आप सवाल का जवाब दीजिए ना, मिर्ची लग रही है आपको सवालों से। गौरव भाटिया, मैंने आपको जवाब दिया, आप सवालों से बच रहे हैं सर, आपके पास सीधा जवाब नहीं है, आप सवालों से बच रहे हैं, मेरे सवालों से आपको मिर्ची लग रही है। गौरव भाटिया, नहीं नहीं, ये हैकर तुम्हारा, हम क्यों बोले हमारा हैकर है भैया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं दूर दूर तक, मगर आप जबरदस्ती अगर ये नैरेटिव पेश करेंगे तो सॉरी, हम आपको नहीं करेंगे इस बात, ठीक है सर, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रखिए, मैं गौरव भाटिया के पास चलती हूँ। गौरव भाटिया,
मैं सवाल पूछ रही हूं तो कांग्रेस के प्रवक्ता को साहब मिर्ची लग रही है, वो कह रहे हैं नहीं आप ये नहीं कह सकती कि कांग्रेस प्रायोजित थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। आइए गौरव भाटिया। देखिए रोमाना जी, हैकिंग जो है ना वो ईवीएम की नहीं हुई है, हैकिंग हुई है राहुल गांधी का जो दिमाग है, जो उनकी सोच की, उसकी हैकिंग हुई है और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ये हैकिंग करी है। आपको याद होगा कैम्ब्रिज एनालिटिका किस तरह से जो यूजर्स हैं उनका डेटा चुरा के, मैं बीच में नहीं चाहता कोई बोले रोमाना जी, प्लीज रिक्वेस्ट करवा रहा हूं मैं आपसे, आप इनको नियंत्रित रखिए। देखिए अभी बौखला रहे थे, आपकी निष्पक्षता पे सवाल उठा रहे थे, एक लाइन बोली तो बीच में बोलने लगे। मैं कुछ अहम बिंदुओं पर अपनी बात रखना चाहता हूं। देखिए कैम्ब्रिज एनालिटिका का मॉडल है जहर फैलाओ, समाज को बांटो, झूठा प्रचार करो और भययुक्त समाज हो, और वही राहुल गांधी और कांग्रेस कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल वाजिब सवाल पूछा कि कोई और राजनीतिक नेता वहां नहीं था, कपिल सिब्बल क्या कर रहे थे? ये वही कपिल सिब्बल हैं जो अभी देश के खिलाफ खड़े होकर कह रहे थे सेडिशन का आप सेक्शन हटा दीजिए। और मैं कुछ बहुत फिर से रोमाना जी आ गए, इनको थोड़ा सा चुप करा लीजिए, मैं चुप बोल रहा हूँ रोमाना जी, जब ये चुप हो जाएंगे बारी पर बोलिएगा प्लीज। आपसे मैं सवाल पूछ रही थी तो आपके पास जवाब नहीं था। नहीं सर, ये फॉर्मेट नहीं है डिबेट का, आप अपनी नहीं चला सकते हैं यहाँ पर। सर सब सब बारी बारी बोलेंगे, सब बारी बारी बोलेंगे, आप हाईजैक नहीं कर सकते हैं, आप हाईजैक नहीं कर सकते हैं डिबेट को, आप हाईजैक नहीं कर सकते मोहम्मद खान इस डिबेट को। मोहम्मद खान की आवाज कम कीजिए, गौरव भाटिया अपनी बात पूरी कीजिए, मुझे सब मेहमानों का रुख करना है, फिर आप जवाब दे दीजिएगा मोहम्मद खान साहब, आ जाऊंगी आपके पास दोबारा। गौरव, बिल्कुल देखिए रोमाना जी, हमारे लोकतंत्र की तो ये सब तारीफ करते हैं कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और आपके कार्यक्रम का नाम संविधान की शपथ है, तो संविधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जन्म देता है जो एक निष्पक्ष बॉडी है, जो ऑटोनमस बॉडी है। और मैं समझता हूं कि इस तरह का दुष्प्रचार जो कांग्रेस कर रही है उससे कहीं ना कहीं वो लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है, जैसा आप भी कह रहे थे। हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि अभी कुछ ही महीने पहले ऐसी एक याचिका आई थी जिसमें यह कहा गया था कि ईवीएम को रिप्लेस कर दीजिए और पेपर बैलेट से वोट कराइए, सर्वोच्च न्यायालय ने वो याचिका खारिज कर दी। और इतनी बड़ी एक एक्सरसाइज होती है जिसमें 17 लाख जो है ईवीएम यूज होते हैं, करीब अगर 10 लाख पोलिंग बूथ होते हैं, ये सब मैनेज किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा। परेशानी इनको यह है, जानते हैं 2019 का चुनाव कांग्रेस हारने वाली है, ठीक है, ठीकरा किस पे फोड़े अभी से उसे तलाशा जा रहा है, ठीक है। हम सीधे रुक करेंगे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस वाई कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कुरैशी साहब, अगर मेरी आवाज मिल रही है सर आपसे, मैं समझना चाहती हूं कि लंदन से भारत की ईवीएम हैकिंग का दावा करना आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए वो भी मैंने भी देखी थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अगर वो कुछ ही साबित कर पाते तो यूजफुल बात होती, क्योंकि उससे हम कुछ सीखते, हम भी समझना चाहते थे कि क्या कहना चाह रहे हैं, कितना हैक करेंगे, कुछ करके दिखाएं, लेकिन कुछ तो देखने को मिला नहीं जी। तो वही पुरानी बातें होती रहीं, और बार बार इलेक्शन कमीशन उससे डील कर चुकी है और उसका जवाब, तो मैं ईवीएम पे बार बार उंगली उठाना अब तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब से वीवीपैट शुरू हुआ है उसके बाद से तो ये झगड़ा खत्म हो जाना चाहिए और वीवीपैट पर फोकस होना चाहिए, और उसमें बस एक ही कंटेंशियस इशू रह गया कि वीवीपैट कितनी मशीनों की पर्चियों की नहीं जाए। इलेक्शन कमीशन ने फिलहाल कहा है कि पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक की गिनी जाएगी, यानी 250-300 मशीनों में से सिर्फ एक। मैं समझता हूँ उस पर को रिकन्सिडर करना चाहिए, वो जरा कम है, 5% मैं समझता हूँ मुनासिब होगा कि जिसमें 12-15 मशीनें रैंडमली चुन ली जाएं, उसकी पर्चियां गिन ली जाएं और मैच करें। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अभी पिछले 2 महीने पहले जो इलेक्शन हुए उसमें 700 मशीनों की पर्चियां गिनी गई थी और वो सारी की सारी टैली कर गई, उनमें से एक भी तो मिसमैच नहीं हुआ। और पिछले 3 साल में जहां जहां इलेक्शन हुए वहां पे 100% वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था, उसमें भी 800 मशीनों को गिना गया, वो भी पूरी तरह मैच कर गई। तो जब मशीनें के ये पर्चियां मशीनों से मैच कर रही हैं
तो अब इसके बाद तो बहुत ज्यादा डिबेट की कुछ गुंजाइश बचती नहीं। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ईवीएम पर यह माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है, क्या वो लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है? क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह कर रही है? क्योंकि सुना आपने, मुख्य चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं भी उसे देख रहा था, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त माफ कीजिएगा, और वो कह रहे हैं कुछ देखने को तो मिला नहीं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा जाता है बड़ा गंभीर मामला है साहब, जांच करानी चाहिए। ऐसी क्या गंभीरता नजर आ गई कांग्रेस पार्टी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जानेंगे हम। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भी हमारे साथ मौजूद है, जेडीयू के नेता राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं। आशुतोष, हैकर की तरफ से तो यह भी कहा गया कि आम आदमी पार्टी भी उसके संपर्क में थी, 2015 का मामला, तब तो आप भी पार्टी से जुड़े हुए थे, आपको जानकारी है कुछ? नहीं, मुझे लगता है कि आपने मुझे आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं बुलाया है, आपने मुझे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बुलाया है। इस बारे में ना कोई जानकारी पहले थी, ना कोई जानकारी आज है। नहीं, पार्टी के भीतर उस वक्त क्या कुछ ऐसा हुआ था, क्योंकि दावा बड़ा होता। पहली बात ये कि जो आप खारिज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं उस वक्त क्या कुछ पार्टी में ऐसी चर्चा थी, मेरी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। ठीक है, ठीक, नहीं मेरी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात आई। जहां तक अभी कुरैशी जी ने जो बात की, मैं कुरैशी जी की बात से पूरी तरीके से 100% सहमत हूं। जहां तक इस हैकर का सवाल है, एक निहायत ही हास्यास्पद, एक बेवकूफी वाला काम वहां पे हुआ है, और हम लोगों ने क्यों उसको इतनी तवज्जो दे रहे हैं, मुझे यह बात समझ के परे है। क्यों इस पे बहस हो रही, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस आदमी ने कोई सबूत नहीं दी, किसी तरीके की ऐसी बात नहीं की जिसको गंभीरता के साथ देखिए ना, आप कह रहे बेवकूफी वाला, कांग्रेस ने फॉरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रात में कह दिया बड़ा गंभीर मामला है जी, जांच होनी चाहिए जी, ये सब तो कांग्रेस की तरफ से किया गया ना, आपको और हमें सबको लग रहा है बेवकूफी वाला मामला है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बड़ी गंभीरता दिख गई थी आशुतोष, इसीलिए सवाल था। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये सवाल का जवाब कांग्रेस दे। दो सवाल हैं जिसके जवाब खोजने चाहिए। पहली बात ये कि ईवीएम हैक हो सकता है, इस बात के सबूत प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने 2006 में दिए थे, 2010 में प्रिंसटन कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी ने दिए थे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी एक किताब इस पर लिखी गई थी, और भारत के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी किया। जो बड़ा सवाल यह है, क्या इतने बड़े पैमाने पर हो सकता है, इतने बड़े पैमाने पर हो सकता है, इस पर मुझे बहुत गहरे सवाल हैं। और तो जो ये कहते हैं ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम हैक हो सकता है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर हो सकता है, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो लीडरशिप दिखाई जानी चाहिए, जो कभी टीएन सेशन साहब ने दिखाई, जो कभी कुरैशी साहब ने दिखाई, जो लिंगडो साहब ने दिखाई, वो पिछले दिनों देखने को नहीं मिली है, इसलिए इस पर हमेशा से सवाल रहते हैं। मेरा कहना यह कि इलेक्शन कमीशन को साफ तौर पर आना चाहिए, लीडरशिप दिखानी चाहिए, और देश को बताना चाहिए कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है। लीडरशिप कैसे दिखेगी? चुनाव आयोग की तरफ से तो खुला मंच दिया गया था, पूरा एक हफ्ते का वक्त दिया गया था तमाम राजनीतिक दलों, यहां तक कि इंडिविजुअल्स तक को मौका दिया गया था कि आइए आकर दिखा दीजिए, अगर आपके दावे में सच्चाई है तो आइए, हम मंच दे रहे हैं, आकर दिखाइए आपकी ईवीएम आप हैक कर सकते हैं, हम कर देंगे उसके अंदर तब्दीली। इसी वजह से तो सवाल है कि सिर्फ और सिर्फ माहौल बनाने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए, क्या ईवीएम को राजनीतिक दल अपनी हार छुपाने के लिए ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं? मैं आ रही हूं आपके पास, राजीव रंजन जी आइए, आप इस बहस में कहां खड़े हुए नजर आ रहे हैं? आपने जो बात रोमाना आपने जो बात कही थी, रामना जो बात बात की, बात अधूरी रह जाएगी। ठीक है सर, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ने जो लीडरशिप नहीं दिखाई थी, जो उन्होंने एक हफ्ते की बात की थी, उसमें साफ तौर पे कहा था कोई आदमी ईवीएम मशीन को टच नहीं करेगा, अगर आप टच नहीं करेंगे तो आप ईवीएम मशीन को कैसे हैक करेंगे, इसलिए वहां पे सवाल हुए, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि जब तक आप उसकी मदरबोर्ड को नहीं चेंज कर सकते, जब तक आप उसके अंदर के सॉफ्टवेयर को नहीं चेंज, वो बिना छुए नहीं हो सकता। तो सर अब राइडर्स लगाकर चुनाव आयोग ने ये क्यों नहीं किया, हाथ लगाने की इजाजत क्यों नहीं दी, ये तो फिर अलग तरीके से ढाले हो गई ना, एक तरीके से बचने की, उस मामले से मौका तो दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, और जो लीडरशिप को लेकर आपकी तरफ से सवाल उठाया गया, देखिए ताजा खबर ये निकल कर आ रही है कि चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस से शुजा की शिकायत की है। चुनाव आयोग की तरफ से पहले भी कहा गया था कि इस मामले में चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई करेगा, और अब उसी के तहत दिल्ली पुलिस से चुनाव आयोग की तरफ से हैकर शुजा की शिकायत की गई है। सीधे रुख करते हैं बीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, अंकित क्या खबर मिल रही है? जी बिल्कुल, चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर डीसीपी है नई दिल्ली रेंज के, उनके पास एक शिकायत भेजी है, जिसमें जिस तरीके से कल लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की कोशिश की गई है कि भारत में जो चुनाव हो रहे हैं वो ईवीएम के जरिए जो होते हैं वो उनसे छेड़छाड़ की गई थी, और 2014 के चुनावों का जिक्र किया गया है। तो एक
तरीके से चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर सवाल उठाया गया है और चुनाव आयोग जिस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की बात करता है उसके ऊपर सवाल उठाया गया है और उसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने पुलिस को एक लिखित शिकायत भेजी है जिसमें उचित कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है और बाकायदा ये उसमें कहा है कि जिस तरीके से लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसे चुनाव आयोग की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं कि सीधे सीधे जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं ये उन पर एक तरीके से वार है। राजीव रंजन जी, क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या ये लोकतंत्र को, देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने वाली कोशिश नहीं थी? एक देखिए, निश्चित तौर पर भारत में जो चुनाव सुधारों की एक लंबी प्रक्रिया रही है जिससे एक मध्ययुगीन दौर से भारत का लोकतंत्र उभर पाया, बूथ कब्जे होते थे, मतदान केंद्रों पर जिस तरह से मतदाताओं को आतंकित किया जाता था उसके मुकाबले एक बेहतर पारदर्शी व्यवस्था ईवीएम मशीन्स के जरिए आई। और अब तो कुरैशी साहब ने बिल्कुल साफ कहा कि अगर कुछ कमियां रही भी होंगी तो वीवीपैट की टेक्नोलॉजी के जरिए आप उन कमियों का अगर रैंडमली अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो निश्चित तौर पर अगर किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम मशीन्स में किसी तरह की गड़बड़ी है तो आप उसको मैन्युअली उसमें काउंट करने का प्रावधान है और वो वेरीफाइड ये पेपर ट्रायल है और उसके ट्रायल के जरिए आप उसमें देख सकते हैं कि जिसने जो वोट किया उसको वो पर्ची मिली और उसका जिस निश्चित तौर पर। तो अब जो ये स्थिति है, एक्सपर्ट्स भी कहते हैं आप क्या वो पूरी तरह से स्क्रॉल्स भी चल रहे हैं कि माइक्रोचिप में किसी तरह का छेड़छाड़ संभव नहीं है, ब्लूटूथ या वाईफाई के जरिए उसमें किसी तरह से गड़बड़ी नहीं पैदा की जा सकती है। जी। तो एक्सपर्ट्स की जो राय है उसके साथ साथ चुनाव आयोग ने भी एक अवसर दिया कि अगर आपकी शंकाएं हैं तो उनका आकर के आप, एक तरह से वो चुनौती थी, खुली चुनौती, अगर आपके दावे में लेकिन हिंदुस्तान की सरहद के बाहर जाकर और उसमें कांग्रेस के बड़े नेता का क्यों कर रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं चलती हूँ जल्दी से गौरव भाटिया के पास। गौरव, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं ये भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आघात पहुंचाने की कोशिश है। बिल्कुल, देखिए रोमाना जी, आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली है कि कांग्रेस का चरित्र अब ये बन गया है कि संवैधानिक संस्थाओं पे हमला करिए, उनको कमजोर करिए। और मेरी जानकारी है राहुल गांधी अभी विदेशी यात्रा पे थे और वो भी लंदन में ही थे, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये उनका ही किया धरा है, क्योंकि जब भी वो विदेशी धरती पे जाते हैं तो वो कहते हैं भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अब ऐसा प्रायोजित कार्यक्रम उन्होंने करवाया है और कपिल सिब्बल की उपस्थिति कहीं ना कहीं एक प्रमाण है कि इसके पीछे जो इनविजिबल हैंड है ना, ये जो पंजा है जो दिखाई नहीं देता, ये केवल लोकतंत्र को खत्म करने में लगा है। दूसरी बात, ये लोग जो मांग करते हैं बार बार कि 50% जो है वो आप वीवीपैट वेरीफाई करिए, इनको सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में कमलनाथ ने ही एक पिटीशन डाली थी जब 5 असेंबली के चुनाव थे, उसमें आदेश आ चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसी के तहत कार्य कर रहा है। तो बार बार ये मुद्दे उठा के एक मैं कह रहा हूं प्रायोजित तरीके से आप क्यों चाहते हैं कि समाज में डाउट रहे, कहीं ना कहीं संचय हो कि संवैधानिक संस्था ढंग से काम नहीं कर रही। ये बिल्कुल लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। प्रायोजित छुपकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा देंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आकर कहेंगे बड़ा गंभीर मामला है जी, बड़ा गंभीर, फिर पल्ला भी झाड़ेंगे, हमने थोड़ी किया जी, हमारा इसमें कोई हाथ थोड़ी है सर। देश देख रहा है सर, समझ रहा है सर, जवाब दे दीजिए अगर कोई है तो। जी रवाने जी, ये तो आपने, मैं आपके पास आऊंगी। सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को, कपिल सिब्बल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। सबसे बड़ा सवाल कपिल सिब्बल पर ही था, इस सरकार के एक मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर और मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि ये कांग्रेस पार्टी और मेरी साजिश है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं। पहली बात तो ये कि इसमें और ये जो मुद्दा जो उठा है ये किसी राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मुद्दा क्या लोकतंत्र यहां बहाल है या नहीं, ये उसके बारे में है, ये डेमोक्रेसी के बारे में है।
ये मुद्दा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के बारे में है। इसमें कोई राजनीतिक दल की बात नहीं आती। लोकतंत्र की बुनियाद तभी मजबूत होगी जब चुनाव निष्पक्ष तरीके से किए जाएंगे, और ये मुद्दा उस बात से जुड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के भविष्य से जुड़ा हुआ है। मैं वहां जब लंदन गया तो उस समय आशीष रे साहब ने, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल जर्नल एसोसिएशन की, वहां उन्होंने कहा कि उन्होंने सब राजनीतिक दलों को इनविटेशन भेजा था, कांग्रेस को, बीजेपी को, सभी राजनीतिक दलों को, और इलेक्शन कमीशन को भी इनविटेशन भेजा था, क्योंकि मैं आशीष रे को अच्छी तरह से जानता हूं। तो उन्होंने मुझे एक पर्सनल ईमेल भेजी, मैंने उनको बताया कि मैं कुछ पर्सनल काम के लिए भी वहां आ रहा हूं। बोले तो आप जरूर आइएगा, क्योंकि कोई ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चला गया। अब आशीष रे ने मुझे एक ईमेल भेजा है, क्योंकि लगता है कि सैयद ने उनको कुछ क्लैरिफिकेशन दिए, तो वो ईमेल मेरे पास आया, तो वो ईमेल भी मैं आपको दे रहा हूं। उस ईमेल में साफ जाहिर है कि सैयद को वहां पॉलिटिकल असाइलम मिला है। क्यों मिला है, किस वजह से मिला है, इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि वो वहां ECIL में विन सॉल्यूशंस एक कंपनी थी, वो ECIL के लिए EVM मशीन के लिए काम कर रहे थे। उस प्रोजेक्ट में कुछ 13 लोग जुड़े हुए थे, उन 13 लोगों के नाम उन्होंने भेजे हैं। प्रोजेक्ट MS7B टीम 13 लोगों के नाम है, और ये उनका पॉलिटिकल असाइलम के कागजात हैं। उन्होंने कहा कि ये वाक्य, क्योंकि न्यू जेनरेशन मशीन बनानी थी तो ये टीम को ये सौंपा गया। ये बात उनकी कही है, देखिए हम कुछ नहीं कह रहे, ये उनकी बातें जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि जब ये सब खत्म हो गया, 12 मई को इलेक्शन रिजल्ट आ गया, तो 13 मई को उन्होंने ये कहा है कि 13 मई को काकी रेड्डी गेस्ट हाउस में, जो किशन रेड्डी MLA के ब्रदर इन लॉ हैं, उनके गेस्ट हाउस में ये वाकया हुआ, और 13 मई 2014 में हुआ, और 13 लोग वहां शामिल थे, और 11 लोगों की हत्या हो गई। अब ये सही है नहीं सही है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कह नहीं सकते कि सही है या नहीं सही है। उन 11 लोगों के नाम भी दे दिए हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जब कमरे में किशन रेड्डी आए तो उन्होंने कहा चंपई अंधेर की, मैं तो जानता नहीं कि इसका मतलब क्या है, तो आप लोगों को पता करना चाहिए। देखिए जर्नलिस्ट तो आप लोग हैं। चंपई अंधेर की, अंधेर की, और उन्होंने कहा कि फिर ये भी उन्होंने कहा कि उसके बाद फिर 15 तारीख को, क्योंकि मुझे भी गोली लगी थी, तो 15 तारीख को मैं शिकागो चले गया, और वहां बोला कि मैं 16 दिन डिटेंशन सेंटर में रहा और अस्पताल 18 दिन रहा। अब अमेरिका गया, वहां एंट्री हुई, डिटेंशन सेंटर गए, वहां कोई स्टेटमेंट हुई होगी, ये आप लोग पता करेंगे सही है या गलत है।
अस्पताल में रिकॉर्ड होगा सही है या गलत है, ठीक है ना। फिर उन्होंने बोला कि मेरे सामने सब लोग को गोली मारी गई, तो मैं जानता हूं कि सब लोग की मृत्यु हो गई। अब ये जो कंपनी विन सॉल्यूशंस की थी, उनके लिए ये लोग काम कर रहे थे। विन सॉल्यूशंस का जो मालिक है उनका ना, उसका नाम उन्होंने दिया है कमल राव, वो पता चल जाएगा कहां कहां ईसीएल में वो काम कर रहे थे। वो भी उन्होंने बताया है कि ईसीएल में इस जगह पे मैं काम कर रहा था। कहां इस समय कमल राव है उसका एड्रेस भी दे रखा है स्टेटमेंट में, वो भी पता चल जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा है कि ये जो ईसीएल है ये सनत नगर में हम काम करते थे, ईसीएल का ऑफिस सनत नगर में है। जब विन सॉल्यूशंस को पैसा भी ईसीएल देती होगी, वो भी चेक पेमेंट होगी, वे भी पता चल जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ होम सिक्योरिटी हैव नो इंटरेस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेंट 2 ईयर्स टू इन्वेस्टिगेट दिस मैटर। ये यूएस गवर्नमेंट से पता चल जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि एक बहुत अहम राजनीतिक दल के लोग हैं, तो वो उनको अमेरिका मिलने गए, वो भी पता चल जाएगा, पासपोर्ट से पता चल जाएगा। तो कपिल सिब्बल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसे कहा जा रहा है कि हवा हवाई, और अब कपिल सिब्बल जो हैं वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और साथ ही बैठकर बता रहे हैं कि कागज उनके पास हैं शुजा के दावों को सत्यापित करने के लिए। वो बता रहे हैं कि उन्हें मेल आया है और उसकी आप जांच कर लीजिए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।